हेलो गाइस, आप सबको गुड मॉर्निंग। न्यू ब्लॉग में आप लोग की स्वागत है। तो देखो, मैं अभी सो करके जगी हूँ, 9:15 के टाइम हो रहा है। तो गाइस देखो, मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है बाहर। मुझे कुछ नहीं पता, बच्चे सब जगह पड़े हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नज़ला हो गया है मुझे ठंडा गर्म पीने के वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है कैसे भी। सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं। क्या कर रहे हो बच्चों? कुछ नहीं कर रहे हो फिर? और नाश्ता नहीं करना है क्या? नाश्ता अभी इन लोगों के बनाओगे? नाश्ता भी नहीं हुआ है, मैं नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ। बनाना आता है तो मेरे पूरे बनाओगे? बॉडी में दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। क्या करो हिनाया, आज मालूम है यहाँ पर जी को फोन आया था, आज तुम लोग की दावत है मदरसे में। कल कल दावत कहाँ थी, आज की दावत है तुम लोगों के मदरसे में। आपा जी ने बोले हैं कि सब बच्चों को बिल्कुल भी खाना खिला करके मत भी जाना दोपहर के टाइम। देखो कौन, आज आपा जी ने खुद फोन करके बोले हैं कि बच्चों को दोपहर में लंच कर करके मत भिजवाना, क्योंकि आज वहाँ पे दावत है। दावत में आज क्या मिलने वाला है? बिरयानी। वाह, आज तो इनाई के मजे है। मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम हुआ है कि आज मेरी कोई त्यौहार है। सुनने में आया कि ईद मिलन है, मुझे नहीं मालूम, मुझे पहली बार मालूम हुई है। तो आज ईद मिलन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। बच्चे लोग तो जाएंगे बिरयानी खाने के लिए, दोपहर को बिरयानी खाएंगे, शाम के ही है खाना। खैर दोपहर को तो कुछ भी बना के खा लूँगी, लेकिन शाम को क्या बनाऊँगी कुछ नहीं। बच्चों ये बताओ, हम शाम को क्या बनाने वाले हैं? शाम को क्या बनाएं? दोपहर को तो तुम लोग बिरयानी खाने वाले हो, तो हम अपने लिए क्या बनाएं हमें बता दो। लो इससे बात कर दो, ये बिरयानी खाने के लिए जाएगी और मैं खाऊंगी आलू। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो गाइस आप लोग ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो जी। अगर हम मदरसे में भी जाने खा दे और ऐसे ही आप लोग ब्लॉग में बने सुनो रहिए। आज दिन भर देखो हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं, दिखाते हैं हम आपको सब चीज़। अभी मुंह भी नहीं धोई हूँ, आपके सामने बिल्कुल सो कर के जाएगी हूँ मैं, बाहर आपसे बात ही कर रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ, बच्चे लोग भी ऐसे ही है। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए, तो आप लोग तब तक बने रहिए ब्लॉग में, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए जा करके।